बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 में विषय नागरिक शास्त्र अध्याय को मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, इसके अंतर्गत आपको अतिलघु प्रश्न लिखाए जाएंगे। बुक रीडिंग आपको करवा दी गई है, काफी कुछ डिटेल आपको बता दिया गया है। अब शायद आप लोगों को क्वेश्चन बताने के बाद आंसर खुद अपने आप आ जाए, लेकिन अगर नहीं आते तो हम आंसर भी बताएंगे और व्हाट्सएप में आपको ईमेल द्वारा क्वेश्चन आंसर भी भेजेंगे। इसके लिए पहला क्वेश्चन अतिलघु का, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमने आपको भारतीय संविधान द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, इनके बारे में डिटेल से बताया है। आपको मालूम होंगे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए। इनमें से एक अधिकार 1978 को वैधानिक अधिकार बना दिया गया था और वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, अब हमारे मौलिक अधिकार 6 बचे हुए। तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? अभी हमने आपको बताया किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से
किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यानी पहले हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने अधिकार बचे हैं? 6 बचे हैं। कौन सा नहीं रह गया है? अभी बताया है आपको इस प्रश्न के पहले, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत किस प्रकार का देश है? अब आप बताइए भारत किस प्रकार का देश है। इस प्रश्न के लिए हमारा भारत अनेकों प्रकार का देश है, लेकिन इसमें कई चीजें आती हैं। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो आज का प्रश्न है, इनमें से एक आंसर लिखना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर आता है और यही आपका अतिलघु में लास्ट नंबर भी है। क्वेश्चन आपका 4, भारतीय संविधान कितने प्रकार की समानताओं की गारंटी देता है? भारतीय संविधान कितने प्रकार की समानताओं की गारंटी देता है? ये जो समानताएं हैं, हमारा भारतीय संविधान कितने प्रकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान जो है, इसकी अनेक विशेषताएं हैं, इनमें से एक विशेषता है समानता का अधिकार। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं में से एक अधिकार है समानता का अधिकार। तो हमारा जो समानता का अधिकार है वह कितनी प्रकार की समानताओं की गारंटी देता है? तो आंसर है आपका 3 प्रकार की। ठीक है, ये तो हो गया है आपका अतिलघु। अब हम आपको बताएंगे कि ये और नंबर आपका कंप्लीट हो गया, अतिलघु है। ठीक है,
तिलक हुआ है, काम खत्म हो गया, लेकिन हम इसको डिटेल से आपको बताना चाहते हैं, विस्तार से बता दें थोड़ा सा। कितने प्रकार की समानताओं की गारंटी देता है? नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। आंसर में तो लिखा हुआ है तीन प्रकार की गारंटी देता है। पहली गारंटी है नागरिक, पहली गारंटी समानता के अधिकार की पहली गारंटी भारतीय संविधान समानताओं में नागरिक। नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान उन्नत विकास, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे भारत में किसी भी व्यवसाय नौकरी आदि के क्षेत्र में हो, किसी भी नागरिक को किसी भी नागरिक से कम अधिकार नहीं प्राप्त। पहला तो नागरिक हो गया, दूसरा वैधानिक, वैधानिक इसका मतलब हो गया कानूनन, कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक से, अगर किसी भी नागरिक के ऊपर कोई अपराध सिद्ध होता है तो चाहे वो जिस जाति धर्म का हो उस अधिकार उस कानून के तहत वह दंड पाएगा। और ये वैधानिक, ये जो कानून है ये भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, वह चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ऊंचा हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, फर्स्ट नागरिक हो या आम नागरिक हो। फर्स्ट नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला नंबर है सामाजिक, सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान समान अवसर प्रदान करने का वचन देता है। यही तीन गारंटी है, ये आपसे इस आंसर से मतलब नहीं, आंसर इसमें केवल तीन प्रकार है, तो आपको अति लघु प्रश्न बता दिए गए। अब आपका लघु प्रश्न, नेक्स्ट क्लास आपकी लघु प्रश्न की होगी।